तो नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड अगर बनाना है तो यहाँ पर एक साइज़ ये तो मैंने बड़ा करके दिखाया है। मैं आपको साइज़ बताऊँगा कितना साइज़ आपको लेना है आइडेंटिटी कार्ड के लिए, तो यहाँ पर इसको देख देख के बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, एक तरफ रख देता हूँ एक तरफ बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो साइज़ जो है इसका वही जो लंबे वाले बनाए थे हम उस तरह से वही इसका ले लेंगे, इसका 3.5 और हाइट आप लेंगे 2.5। अगर आपको लंबे वाले बनानी है तो हाइट में 3.5 और विड्थ में 2.5। ठीक है, अब कलर में ग्रिड लाइंस में जाके आप कलर, जैसे मैं हर रोज हर बार बताता हूँ कि कलर आप कुछ भी ले सकते हैं, कलर में कोई इशू नहीं है, जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कलर यहाँ पर मैं चेक करता हूँ और देखता हूँ कौन सा कलर लेना सही रहेगा। देखो यहाँ पर आके अगर आप छेड़खानी नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ छेड़खानी करनी ही पड़ेगी तभी आपके हाथ बैठेगा, एकदम से नहीं होगा कि भाई एक्यूरेट बताओ, आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप मुझसे भी अच्छा कर सकते हैं अगर इस तरह से आप चेक करेंगे कि इसको इस पॉइंट के बारे में, तो पिछले कई वीडियो में बताया कि इस पॉइंट कैसे होता है। ठीक है, तो ये कलर हमने ऐसे चूज़ कर लिया है और अब यहाँ पर इसकी जो आउटलाइन है थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ठीक है, अब वन बाई वन इस पर हम काम करेंगे। तो स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड लिखना है तो हम वर्डआर्ट में जाएंगे और वर्डआर्ट में जाने के बाद हम उसको करेंगे। ठीक है, और हमेशा देखना कि ग्रुपिंग जो सबसे मेन चीज़ में ग्रुपिंग करेंगे, जब दो शेप लेंगे उसको ग्रुप बनाएंगे, फिर तीसरा लेंगे फिर ग्रुप बनाएंगे, फिर चौथा लेंगे फिर ग्रुप बनाएंगे, इस तरह से ग्रुप बनाते जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कोई से भी शेप ले लीजिए कोई भी साइज़ का, फिर बाद में छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिया एक शेप और यहाँ पे इस एक्चुअली शेप को ना ले तो भी चलता है, क्योंकि अगर आप वर्डआर्ट लेते हैं तो वर्डआर्ट का फील कलर MS Word 2010 में फील कलर ऑप्शन आता है, उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर लिए लिया है तो लेने दो। ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का फील कलर भी होता है और इसका जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसका भी कलर जो आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर किसी ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि टाइपिंग के बारे में वीडियो बनाए, तो टाइपिंग का वीडियो बहुत सारा बना हुआ है, मैंने बनाया हुआ है और उसमें ख़ास तौर पर मैंने बताया है कि आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही आपका हाथ सही बैठेगा। जब तक आप प्रैक्टिस ठीक से नहीं करेंगे तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो इसके कलर में थोड़ी सी चेंजेस करके देखते हैं कौन सा कलर इसका सही बैठता है। ठीक है, कलर आपकी मर्जी, कलर में कोई नहीं बताऊंगा कि यही कलर आप ले लीजिए, आप जैसा कलर, जैसा आपकी कोचिंग सेंटर है या आपका कोई शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र है या कोई भी आपका स्कूल है तो आप कैसे बना सकते हैं। ये देख ग्रुप बनाए और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो तो अनग्रुप हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसका हम फिल कलर करके कर देते हैं। ठीक है, और इसका पीछे जो चला गया उसको डिलीट कर देंगे जो हमने शेप लिया था। ठीक है, ये तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि इसका फिल कलर है, इसलिए ये बढ़ेगा नहीं, खिसक जाएगा। ठीक है, इसलिए हम एक शेप लेते हैं, कलर करते हैं ताकि खिसके ना, ये पीछे इसका पीछे चला गया इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, तो ये परेशानी आपको हो सकती है अगर आप एक शेप लेते हैं, शेप के ऊपर लिखते हैं और आर्ट से, तो शेप को तो आगे पीछे कर सकते हैं और इसको नहीं कर सकते हैं, ग्रुप कर दिया इसलिए चला गया, इसका अनग्रुप कर सकते, कितना भी कुछ कर लो ये नहीं होगा क्योंकि फील कलर, अगर यहाँ पर कुछ लिख देते हैं तो फिर भर जाएगा। ठीक है, तो ये इसको रहने देते हैं, इसको खिसकाते हैं तो पीछे आपको दिख जाएगा। अब हम करेंगे इसका फ़ोटो। ठीक है, तो फ़ोटो के लिए राउंडेड रेक्टेंगल इसको बोलते हैं, कोना कटा हुआ। ठीक है, हर एक शेप लेंगे और उसको पिछले वाले शेप के साथ में ग्रुप बनाएंगे, थोड़ा कम कर देते हैं और इसकी भी आउटलाइन वगैरह कुछ करेंगे। और ये तो बहुत इजी है, आउटलाइन आप दे दीजिए, कोई भी कलर भी दे दीजिए और इसको फील में जाके शेप फील में आप पिक्चर सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, शेप फील में जाके ऊपर वाला शेप फील है, शेप के अंदर का जो भरता है और पिक्चर में जाएंगे। और अगर 2007 में कर रहे हैं थोड़ा सा अलग है, फील इफेक्ट में जाना पड़ेगा, बाकी में तो पिक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ़ोटो लग गया। अब यहाँ पर हम नेम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, क्लास, एड्रेस, रोल नंबर, यही सब चीज़ें लिखेंगे और इसके कलर में थोड़े चेंजेस करेंगे, जैसे नेम हेडिंग हो गया। ठीक, अब ये देखो ग्रुप बना लिया हमने, पिछले सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट होता है, अब ये क्या होगा, अब मूव करेंगे वो देखिए पीछे शेप चला गया, तो डिलीट कर देते, अगर आप मूव करेंगे तो जब एक साथ मूव होगा, नहीं तो
आपको सारा चीज़ें इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। अगर आप उसके बाद बनाने के बाद कॉपी पेस्ट करके कहीं से लगा डिकार बना सकते हैं एक ही पेज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स लेने से क्या होता है, आप इसको आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आउटलाइन तो हम हटा देंगे, फिल लीफ हटा देंगे, और लाइन के बीच में जो स्पेस है उसे भी कम करेंगे। ठीक है, ये सब करेंगे। पहले हम पहले से कुछ लिख लेते हैं, फिर इकाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा 10 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कुछ बताना पड़ रहा है, कुछ समझाना पड़ रहा है, तो बड़ा हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा कीबोर्ड मैंने लिया नहीं, लैपटॉप का कीबोर्ड में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो कोई बात नहीं, ले जाएगा। एक शिफ्ट थोड़ा कम काम कर रहा है, जो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है। तो पहले लिख लेते हैं। हमेशा जब आप टेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे एमएस वर्ड में, सबसे पहले आपको जितना भी टेक्स्ट है सब लिख लीजिए, उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग यानी कि इसकी जितना डिज़ाइन करना है, किसी टेक्स्ट का कलर कैसे भी करना है, किसी टेक्स्ट का कैसे करना है, वो बाद में करेंगे। ठीक है, किसी का फॉन्ट बड़ा करना है, किसी का छोटा करना है, वो एंड में करेंगे। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए जो भी लिखना है एक ही फॉन्ट में, उसके बाद चेंज करें, क्योंकि अगर आप चेंज करते हुए जाएंगे तो आपको बार बार फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, आपको झमेला होगा। ठीक है, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मेट पेंटर के थ्रू इसको चेंजेस करेंगे, बता देंगे। फॉर्मेट पेंटर के बारे में पहले वीडियो बता चुका हूँ, फॉर्मेट पेंटर क्या है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में इसकी एडिटिंग के बारे में थोड़ा बता देंगे, एमएस वर्ड में जो बेसिक लेवल की जो हल्की फुल्की नॉलेज, जो जैसे आप अभी एडिटर बनाना सीख रहे हैं, तो इसके लिए आपको कुछ और नॉलेज भी चाहिए एमएस वर्ड में, सिंपल बेसिक नॉलेज, बेसिक तरीके, जो लोग पहली बार एमएस वर्ड में काम करना चाहते हैं उनके लिए है। तो वो अगले कई वीडियो में मैं बताऊँगा एमएस वर्ड के बारे में डिटेल्स में। ठीक है, तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं वीडियो, ताकि आपको पसंद आए। बना तो हुआ है, लेकिन अब देखो, कोई देखते नहीं है तो उसको कसूर मेरा तो है नहीं। तो यहाँ पर हमने सब कुछ लिख दिया है, अब इनको क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इनकी जो स्पेसिंग है, ठीक है, तो मैंने बड़ा कर लिया, क्योंकि ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, होम बटन में जाएंगे, वहीं पर सामने ही था वैसे, तो मैंने बड़ा कर लिया फालतू में। और यहाँ पर आपको लाइन स्पेसिंग में ऐसे ज़ीरो कर देना, ताकि सारे टेक्स्ट को अंदर चला जाए। और इसकी जो बॉक्स लिया है उसको हटा देंगे, ठीक है, नो फिल, और आउटलाइन भी नो आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ, यस हो गया। अब बॉक्स को नो फिल और नो आउटलाइन, ठीक है, फॉर्मेट में जाएंगे, जब बॉक्स सेलेक्ट किया तो फॉर्मेट में जाएंगे और उसी के बॉक्स में काम होगा। ठीक है, अभी इसका जो है ग्रुपिंग मैंने किया नहीं है, पिछले वाले शेप के साथ ग्रुपिंग भी करेंगे, ताकि ये शिफ्ट को सिलेक्ट कर लिया, अब राइट क्लिक करके और यहाँ पर ग्रुप कर देंगे, ताकि एक शेप एक ही बने और मूव करेंगे तो एक साथ मूव। ठीक है, अब इनके कलर, तो यहाँ पर हमने कलर एक कलर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ऐसे। अब इसी के ऊपर कर्सर को रखेंगे और फॉर्मेट पेंटर से जितने को सिलेक्ट करेंगे उस कलर में बदल जाएगा, नहीं समझ आया। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं, कौन सा कलर रखें, इसे कलर रखते थे। ठीक, अब यहाँ पर कर्सर है जिस फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है, मतलब सिलेक्टेड है, या कर्सर को ब्लिंकिंग कर्सर वहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब हम जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, देखिए इसको रख दिया, अब फॉर्मेट पेंटर ढूंढो, ये रहा, अब इसको हमने सिलेक्ट किया, खाली बस ए बदल गया, कर्सर यहाँ है, फिर लिया, फिर को सिलेक्ट किया, बदल गया। तो फॉर्मेट पेंटर मतलब कि आपको पहले से जो भी फॉर्मेट आपने किया हुआ है उसको इमीडिएट किसी और टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बार बार हम कलर करना ही करना वो करना है, हमें लेते बस जाते हैं। ठीक, अब इन सबको बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि ठीक से दिखे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा इसको खिसका देते हैं ताकि ये पूरी लाइन में आ जाए। ये थोड़ा नीचे कर देते हैं, या तो बॉक्स के ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये सेटिंग तो आपको जब प्रैक्टिस, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने समस्या आएगा, तभी आप कुछ सीखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं सीख सकते। ठीक है, अब यहाँ पर एडवांस कंप्यूटर सेटिंग लिखेंगे और कलर कोई भी आप ले सकते हैं, कोई मतलब नहीं है कि आप ये कलर लेना है, ये लेना है, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। भाग गया हूँ, दोबारा लेते हैं ऑर्डर, इसलिए मैं एक बना के रखता हूँ और दूसरे को अलग तरीके से बना देता हूँ, ताकि आपको
समझ में आए कि एक कलर तो कर दिया, दूसरे कलर भी कर सकते हैं। इसको छोटा करते हैं और इसकी आउटलाइन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये शायद काम नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, इसका एडिटिंग थोड़ा सा करते हैं, देखते हैं कलर में कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, नहीं तो हटवा देंगे, नहीं तो उसको जाके इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको शेप बदलते हैं, वहाँ पर जाएंगे खुलेंगे। चलिए इसको बड़ा करके करते हैं, ऐसा नहीं होगा, बड़ा होता तो टेक्स्ट तो थोड़ा सही रहता, छोटा है तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अब हम चेंज करेंगे यहाँ से, ये फॉर्मेट ऑप्शन लेफ्ट साइड में दिख रहा है, टेक्स्ट फिल करके भी फ़ायदा नहीं है, तो वहाँ से चेंज करेंगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसका, इसीलिए मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, नहीं हुआ, छोड़ो, कलर वलर भी करके देख, कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं। अब यहाँ से हम इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा पूरा सिलेक्ट करो और यहाँ चेंज कर दो, ये चलिए इसे रखिए, ठीक है, और ये हो गया हमारा एडवांस कंप्यूटर ट्रेंड। ठीक है, इस तरह से आप इसको कलर भी कर सकते, चेंज भी कर सकते, जैसा मर्जी वैसा कर सकते। थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में मुझे एक लोगो लगाना है, तो इसको छोटा करेंगे। ठीक है, चलिए इसको फिर से सेट करते हैं, और उसके बाद स्प्लिट विंडो बोलते हैं इसको, एक विंडो को खड़ा करके रख सकते हैं, एक ही एमएस वर्ड में भी या दो अलग अलग प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। जो लोग टाइपिंग करते हैं सॉफ्ट कॉपी से तो इस तरह से टाइपिंग करते हैं, एक ही स्क्रीन के ऊपर दोनों रखते हैं और एक तरफ पेज देखते हैं और दूसरी तरफ टाइप करते हैं सॉफ्ट कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में, आसान होता है इस तरह से टाइपिंग करना। चाहे आपके फाइल पीडीएफ में है और आप एमएस वर्ड में टाइप करना चाहते हैं, पीडीएफ को खोल लीजिए, एमएस वर्ड में टाइप कीजिए, बस टाइपिंग मैटर को लेफ्ट साइड में रखेंगे और अपने लेफ्ट साइड में रखेंगे, और जो नॉर्मल अब जिस पे टाइप फ्रेश पेज में राइट साइड में रखेंगे ताकि लेफ्ट साइड में देखें, यही तरीका है। तो यहाँ पर लोगो लगाएंगे और कहाँ हैं भूल जाता हूँ, कहाँ रख दिया लोग, ई में होगा, यहाँ है और रनवेरी ये लोगो है, और यहाँ पर अब इसको जाएंगे हम ड्रॉपिंग टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और इसको थोड़ा कर देंगे छोटा, इतना बढ़िया लोगो नहीं है, बस रख दिया, बस एक बन चुका था तो मैंने रख दिया, यूट्यूब चैनल का भी यही लोगो रखा है मैंने, बदला ही नहीं। ठीक है, रहने दो, अब यहाँ पर एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगाएंगे और बार कोड भी यहाँ पर जैसे लगाओ वैसे लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ करते हैं, आप ग्रुपिंग राइट क्लिक करके बाद ग्रुपिंग करना भूल गया था, तीन चार इकट्ठे हमने ले लिया ग्रुपिंग में। ठीक है, ये हो गया ग्रुपिंग। ठीक, अब देखिए इसको अगर हम मूव करते हैं तो सब एक साथ मूव होगा। ठीक है, ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ग्रुपिंग करना ज़रूरी है, हर दो शेप लेंगे ग्रुपिंग करेंगे, फिर तीसरा लेंगे फिर ग्रुप बनाएंगे ताकि भूल ना जाए, चार पांच इकट्ठे लेंगे तो कभी सिलेक्ट होता है कभी नहीं होता है तो कभी भूल जाते हैं, तो वो समस्या हो सकती है, इसलिए एक एक शेप लेंगे और ग्रुप बनाते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 12-13 मिनट का वीडियो हो चुका है, और यहाँ पर हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पर हम लिख देंगे एड्रेस, ऊपर का स्टूडेंट का एड्रेस है, नीचे का जहाँ का कोचिंग सेंटर है, स्कूल है या जो भी शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र है आपका, वहाँ का एड्रेस यहाँ पे आदर्श नगर मेन मार्केट गाजियाबाद, पता नहीं ये एड्रेस है कि नहीं, मैंने ऐसे डाल दिया, हो सकता है जो एड्रेस मैं डालता हूँ इसमें वो ऐसे ही डाल देता हूँ। ठीक है, एड्रेस का कोई मतलब नहीं, हो सकता है एड्रेस सही निकल जाए, हो सकता है एड्रेस गलत हो। ठीक है, लेकिन पिन कोड बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसकी जो स्पेसिंग है वो स्पेस लाइन स्पेस यहाँ पर 0 कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि मार्केट के बाद जैसे बात आ जाए, थोड़ा सा और बड़ा, यस। ठीक है, इसकी भी शेप
नो फील सेट पर नो फील करेंगे और आउटलाइन पर भी नो आउटलाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ से नो आउटलाइन, यहाँ से नो फील, ठीक है, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा इसके किस करते हैं, अभी ग्रुपिंग ग्रुपिंग बनाना है, ठीक है, ग्रुपिंग भी ज़रूरी है, बिना ग्रुपिंग के तो काम करना बेकार है। ये सिलेक्ट हो गया और नहीं गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर हम कर देंगे आपका बार कोड, ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से बार कोड लेंगे, ग्रुपिंग आप बनाते रहिए और बार कोड यहाँ पर वही फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, ठीक है, क्रॉपिंग टेक्स्ट से फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे और इसको छोटा करके वहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। बार कोड की, बार कोड से क्या होता है कि ओरिजिनल पता चलता है कि यहाँ सही में हमारे संस्था के साथ है कि नहीं है, उसी उसको स्कैन करके पता लग जाता है, ठीक है, गलत है कि सही है, ओके। तो ये बार कोड ज़रूरी है, अभी आधार कार्ड में क्यूआर कोड के साथ में आ रहा है, स्कैन करते ही सब कुछ डिटेल्स आ जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से एक आईडी कार्ड बना सकते हैं, बड़ा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं चेक कर रहा था, और ये साइज़ में रखेंगे कट पेस्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप आईडी कार्ड आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, आप कोई पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, चलिए वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बंदे मातरम, जय हिंद।